श्रीकाल जी सारियां नूं। अज दी रिक्वेस्टेड वीडियो हैगी है दही भल्ले। मैं मां दी दाल दी उड़द दी दाल दे मेन दही दही भल्ले बना के तुहानूं दसदी आ। इह रिक्वेस्टेड हैगी है नवनीत कौर दी। उहने मैनूं कहा आंटी जी जरूर बना के पाओ, तो उहदी मैं रिक्वेस्टेड पूरी करन लगी आ। तुसीं वी कोई रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जरूर बना के दसांगी। चलो फिर मैं बनांदी आ। मां दी उड़द दी दाल हुंदी है बिना छिलके वाली, इह लै लैणी तुसीं इक कप। तो यह मैं ऑलरेडी रात दी इहनूं डिप कीता आ। तो देखो उन्नी की मैं डिप की ही, तो डिप करके डबल हो जाती है। हुण असीं इहनूं ग्राइंड कर लेना आ। तो तुसीं इहदे च पानी बहुत घट पाना आ, जे लोड़ होएगी फिर थोड़ा पाना, नहीं तो नहीं पाना। ग्राइंड कर लेना आ। देखो जी मैं ग्राइंड कर लिया, इदां दा ही असीं ग्राइंड करना। इहनूं मैं सारा इहदे विच पा लैणा आ। इहनूं हत्थ नाल ही यूज़ करना पैणा, क्योंकि इहनूं हुण इन्ना फेंटना कि मार मार के इहनूं 8-10 मिंट, क्योंकि इहदी फिर अहीं फरमेंटेशन करनी हैगी है कि इहनूं फुल जावे, तां कि साडे जिहड़े भल्ले आ फुल्ले फुल्ले सॉफ्ट बन रोई वर्गे। असीं सारा कढ लिया। हुण मैं इहदे विच थोड़ा जिहा लूण पा देणा आ, थोड़ा जिहा धनिया जीरा पाउडर। यह ऑप्शनल है, जो तुम नहीं पाना ना पाओ। तो धनिया तो जीरा जरूर पाना चाहिए, इन्हें बहुत वधिया फ्लेवर आता है। तो थोड़ा जिहा मैं धनिया पा रही हूँ, अदरक तो थोड़ी हरी मिर्च बस। हुण अहीं इहनूं जां तुसीं विस्क नाल जां कि स्पून नाल, पर मेरी मम्मी जदों भल्ले बनाउंदे सी ना तो वह कूडे विच कुट के इहनूं पीठी नूं तैयार करदे सी, उहदी किन्नी मेहनत हुंदी सी। पर मिक्सी नाल तो फटाफट हो जांदा। फिर हाथ नाल चंगी तरह 8-10 मिनट इहनूं करदे सीगे, फिर तां कि कुछ पाउण दी जरूरत नहीं पैंदी इहदे च, बेकिंग सोडा जां कुछ कोई होर चीज़। इहदे नाल ही बहुत वधिया बन जांदा। मैनूं ना 8-10 मिनट लगातार इहनूं अहीं फेंटना आ चंगी तरह अद्धा करके। पर ये एक ही डायरेक्शन च करना जां इधर जां उधर, फिर तां ही इहदे विच फरमेंटेशन बनेगी। एक साइड नहीं करना बस। इहदी निशानी ये हैगी है कि एक तुसीं पानी च पा के वेख लो, जे उपर आ गया समझ लो तुहाडा जिहड़ा आटा बिल्कुल रेडी है बैटर, ते जां तुसीं अद्धा करके देख लो। देखो पूरा पुट्ठा कर दिता ना, नहीं ना देख रहा, ये क्या दी निशानी है कि बहुत वधिया बन गया। और मैं एक पा के देख लिया सीगा छोटा जिहा, तेल गर्म कर लिया। तो इहनूं फिर तुसीं मीडियम ते कर लेना है, ज़्यादा हाई नहीं फ्लेम होना चाहिए, फिर तुहाडे सड़ जाणगे। तो मैं तुहानूं पा के दस रही हाँ, पहला ना उंगलां नूं अपनियां नूं तेल लगा लेना है, फिर आटा नाल नहीं चिपकदा। इदां थोड़ा थोड़ा लै के तो तुसीं अपने साइज के छोटे वड्डे तुसीं इदां बना सकदे हो। आटा थोड़ा जिहा मेरा पतला हो गया, ज़्यादा नहीं। एक मैं तुहानूं रेजन भी पा के बनाते हो ना किशमिश, इहनूं भी तुसीं इदां पा लै के इहदे विच थोड़ी जी किशमिश पा के इदां, ते इहनूं फिर उत्तों अहीं कवर कर देना आ इस तरह करके। किशमिश वाले भी तुसीं बना सकदे हो इदां, कोई नहीं। जे इदा के बढ़ते बाद जो उन्होंने अं पानी च पाना फिर फ्लैट हो जाते हैं। साइज तुम अपना व्डा छोटा बना सकते हो। देखो जी साढ़े बहुत सोहने बन रहे हैं दही भल्ले, बाहरों क्रिस्पी अंदरों सॉफ्ट होने चाहिए आ। हूँ जी जो दही बड़े आ लाल हो गए, हूँ मैं सारे कट लेने, फिर दूजा पैच पा देना आ। नहीं तो कोई गाना सुना दे, सुना ना सुना। बल्ले 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 दही पल्ले बल्ले बल्ले नित किथे चलनी है मोरनी बन के मोरनी नित बल्ले बल्ले दही पल्ले। लो जी हूँ दूजा बैच आ गया जी। अगे मैं सूजी दे पाए हुए आ, जे मैनू कोई कहिंदा तां मैं उहनूं जरूर मैं कहिंदी चलो मैंने रिक्वेस्ट कीती आ, तां मैं जरूर पाउणा चाहुंदी आ, उहदी रिक्वेस्ट पूरी करना चाहुंदी।
मीडियम से जी साडा दूजा बैच बन रहा है। तो अनिल जो असं छोटे होंगे ही ना साढ़े वो घर वेचण आते ना कचालू ये वो कुल्फिया एक राम लड्डू भी भाई वेचण आता है तो वह बाज दिता जाके लड्डू कट्टिया ले करारे मसाले ले लड्डू करारे मसाले ले। अच्छा ये लड्डू जी मूंगी की दाल दी है ना सेम इदा ही लड्डू बनते राम लड्डू कह देंगे ए मां की दाल दे भले हो गए उन्होंने लड्डू कह देंगे वो भी तुम रैसपी इदा सेम बना सकते हो। हूँ मैं गर्म पानी ले लिया इन्ना कि तुम पानी लैना कि ताकि उंगल जी सहार सके ज़्यादा गर्म भी नहीं लैना ज़्यादा ठंडा नहीं कोसा पानी थोड़ा जहाँ ये साल्ट पा लो ताकि ये थोड़ा होर साल्ट भल्लिया चला जाए जे फिके थोड़े हिंग है ना फ्लेवर बहुत वधिया आता है। फिर इन्हें तुम थोड़ा चंगी तरह मिक्स करके इस तरह तो ये अपने भल्ले ये डिप कर देने खाने वास्ते आप प्रेजेंटेशन करनी है ना इन्ने बहुत है ना बाकी असं फ्रीज कर देने खाने वाला कोई नहीं है कोई गैसट आएगा उन्होंने खुवावे फिर बहुत है ना उन्हें ठीक है बहुत है हूँ आइए जिनी देर तक सॉफ्ट नहीं होंगे पाँच दस मिनट ए पे रहने इन्हू कवर कर देना उत्तों ढक मैं तुम्हें एक तोड़ के दस दी हाँ देखो कि सोहना विदों बिचों हो ना बहुत सोहना सॉफ्ट बनया तो हूँ आ जोड़े मैं भिओए हैं ये सारे अपने हाथ न नचोड़ लेने जदा जदा सारा पानी चो कढ़ लेना है मैं छोटे छोटे बनाए हैं तुसी वड्डे साइज़ दे भी बना सकते हो एदा वधिया जी करके प्रेजेंटेशन तुसी रखो गैसट अगे बहुत वधिया रेसिपी बनती है। आ देखो किन्ने सोहने ना गोल गप्पे वांगू फुले फुले बन गए है होर रखा टू मोर फ्लैट ही रहन दिते उपर वाले ही अं कट लिया फिर वधिया नहीं लग रहे तो जो घर का फ्रैश दही मेरा होममेड दही है मैं रात को जमाया सी तो जरा ना इन चंगी तरह तुम इनू फेंट लेना है तो जे तुम अपने भल्लिया वास्ते दही जमाना तो तुम मिठा भी जमा सकते हो थोड़ी जी ये शूगर पैंदी है मैं थोड़ी पाई है फिर असं चंगी तरह मिक्स कर लेनी है शूगर ठीक है फिर ता ही सवाद लगते जे थोड़ी जी ये शूगर होएगी। हूँ असी जी अपना दही है सारा भल्लिया पा लेना है दही थोड़ा तो ना सख्त होना चाहिए ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए मैं लेजी हो गई हाँ मतलब कि थिक मैं थोड़ी लेजी हो गई मैं थिक नहीं किया ठीक ठीक ही है मेरा सारे तुम इन पा लो कल कल पर करके खा लो फिर आ जी मिठी चटनी पानी है ये उत्ते तुसी ये भी मेरी होममेड है मैं रेसिपी पाई हुई है पहला फिर खट्टी चटनी ये भी रेसिपी पाई हुई है ये अपने टेस्ट अकॉर्डिंग पा लो कोई ज़्यादा लाइक करता कोई घट करता फिर ये भी जीरा पाउडर मैं घर भुन के रखा हुआ ग्राइंड करके पाउडर ये भी पाना तुसी इहदे नाल बहुत टेस्ट आता वधिया थोड़ी जी रेड चिली जे तुहाडे कोल अनार होण ओह भी पा सकदे हो पर मेको नवनीत दही भल्ले बन के तैयार हो गए है स्पैशल आई मेक फॉर यू बना के मैनू जरूर दसी होर भी जिन्हां नूं लाइक है ओह भी बना के दसिओ कमेंट विच किद्दां दे बने ते प्लीज़ मेरी वीडियो नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दो सारे थैंक्स फॉर वॉचिंग अगे तो होर नवी वीडियो लैके आवांगी सत श्री अकाल सारिआं नूं।